हार गई अभी आपकी विमेंस टीम थाईलैंड से, हार गए, थाई करी बना दी उन्होंने। इसका जवाब देना है आपको, हरमनप्रीत कौर से जवाब मत मिला दीजिएगा इस टीम का, बहुत मारती है वो विमेंस क्रिकेट का युवराज सिंह है। आपका मसाज ही तो किया उन लड़कियों ने, आपको लंबा डाला, ऊपर से धोबी पटोला लगाया, दिमाग पे दो शॉक दिए। और मैंने एक मिनट, मैं भी एक और करता हूँ। मैं रमीज राजा का मैं एक बता दूं, एक कोई धोबी पटोला दिया, फिर एक और पटोला दिया, इतने में काम तमाम कर दिया। चार विकेटों से थाईलैंड वुमन जीत गई, ये भी आप इंडिया पे डाल, ये भी ढूंढ लो कोई विराट कोहली या हरमनप्रीत का लिया ना, वो दीप्ति शर्मा का वो रन आउट हुआ था। दोस्तों आपने ये क्लिप देखा, छोटा सा, पाकिस्तान की वुमेन्स टीम थाईलैंड से एशिया कप में T20 मैच हार चुकी है। थाईलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ ये पहली बड़ी जीत है और थाईलैंड ने सबसे बड़ा जो चेस किया है उनके करियर में, थाईलैंड के ओवरऑल करियर में 117 रन चेस किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की ओपनर सिरदा अमीन ने बहुत स्लो बैटिंग की, मतलब 64 बॉल पे लगभग 50 रन बनाए, जो कि काफ़ी स्लो है T20 के हिसाब से ऑब्वियसली। और इनकी स्टार बैट्समैन है निदा डार, उन्होंने 12 रन बनाए 22 बॉल पर, जो कि अगर थोड़े से 22 बॉल पे 22 भी होते तो शायद ये पाकिस्तान मैच निकाल जाती, क्योंकि थाईलैंड ने सेकेंड लास्ट बॉल पर मैच फिनिश किया है तो ऑब्वियसली टफ हो जाता। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में। आप पाकिस्तान की वुमेंस को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए जितना ये पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ये बात सच है, जब गधे आते हैं तो गधों वाला निजाम लाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। तो इसमें कोई आपको क्यों हैरानगी है, छठे नंबर की आपकी रैंक है, वो 13 नंबर रैंक है थाईलैंड वाले। मलेशिया को आपने हरा लिया, बांग्लादेश को हरा लिया, दैट इज मोर देन एनफ। किसी ने 57 किया, किसी ने 70 किया, तो ये तो आपकी इतनी तो आपने अपने मुंह से कहा है, 110-15 तक 20 तक हमारा चांस होता है। आज तक मौसम भाई जब हल्की टीम से खेले तब तो वो सुन रहे यहीं पे आने लगा था मैं। आज तक थाईलैंड की टीम का जो रिकॉर्ड था वो 106 या 7 रन था जो चेज किया था, आज उन्होंने 117। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी रिजवान हैदर, अब मजे की बात यह है, आप वाली जो सुपर से ऊपर वो उसने 50 किया आपकी ओपनर ने, लेकिन उसने कितनी बॉलें कंज्यूम की है आपकी कप्तान। बात यह मेरा भाई कि ये इनका कोई विजन नहीं है। रमीज राजा होता कौन है? अबे यार दुनिया का कभी आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका, इंडिया को छोड़ दे, ये जितने भी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी इनके हेड्स हैं जो क्रिकेट को हेड करते हैं या दूसरी, कभी आपने उनका कोई बयान सुना? कभी आपने सुना है कि मशरके वस्ता में, मिडले ईस्ट में यह हुआ, एशिया में यह हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में यह हुआ, अमेरिका में यह हुआ, हांगकांग में यह हुआ? आपके घर में जो कभी सुना ध्यान ही नहीं है तो मसाज किया ना आपका, ये मिसबा की स्टूडेंट लगती है। आपका मसाज ही तो किया उन लड़कियों ने, आपको लंबा डाला, ऊपर से धोबी पटोला लगाया, दिमाग पे दो शॉक दिए। और मैंने एक मिनट, मैं भी एक और करता हूँ। मैं रमीज राजा का मैं एक बता दूं, एक कोई धोबी पटोला दिया, फिर एक और पटोला दिया, इतने में काम तमाम कर दिया। ये रमीज राजा जब आया था तो ये रिजवान साहब भी मुझे कह रहे थे, यार भाईजान टेस्ट क्रिकेटर है, कप्तान है, थोड़ा इसको टाइम दे। अब यही रिजवान हैदर साहब कह रहे हैं अल्लाह की शान, एक साल में रमीज कुछ नहीं कर सका। हार गई अभी आपकी विमेंस टीम थाईलैंड से। छुट्टियां मनाने जाते हैं लोग थाईलैंड, और बहुत सारे अय्याशी करने जाते हैं पटाया बीच। हार गए, थाई करी बना दी उन्होंने। इसका जवाब देना है आपको, हरमनप्रीत कौर से जवाब मत मिला दीजिएगा इस टीम का, बहुत मारती है वो विमेंस क्रिकेट का युवराज सिंह है। शाहिद आफरीदी वगैरह के दोस्त है युवराज सिंह, पूछिएगा कितना डेंजरस स्ट्राइकर था वो, आपने भी देखा हुआ, बड़ी तारीफें की हुई है, कैसे एफर्टलेस छक्के मारता था। थाईलैंड ने पाकिस्तान विमेंस को हरा दिया, यानी के जो लोग अपने साहिले समंदर पर पूरे कपड़े पहनकर भी नहीं बैठे होते उनसे हार गए भाई आप लोग। तालियां बजानी है, क्या करना है, मैं क्या बताऊं, क्या मंदाना से मिलाऊं किसी को मैं, या मैं इस हार पर यह बोलूं, अरे यार वो इंडिया भी तो फाइनल हार गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो फाइनल हारा था। अभी इंडियन विमेंस ने इंग्लैंड को उनके घर में 3-0 हराया है, हरमनप्रीत कौर की टीम ने।
अब आप इस नाकामी को छुपाने के लिए क्या रेफरेंस लेके आएंगे? क्या आपके आपने कोई स्मृति मंधाना जैसी प्लेयर प्रोड्यूस की जिसने 76 ODIs में 3000 रन्स बना दिए हैं? बता दीजिए आप, अगर आपने किए तो समझा दीजिए, और अगर नहीं किए तो फिर एक्सक्यूज कर लीजिए कि यार हमारी विमेंस टीम ऐसे ही है, ये ऐसी इंजेक्शन लगा लगा के चलेगी जिस तरह इंजेक्शन लगा लगा के हमने जबरदस्ती बुग्जे सरफराज में रिजवान को 2021 का वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खिलाया था। तो फिर आप ये देखें ना यार, मामलात होते क्या है। तो भाई ये जो मामलात होते हैं ये आपके बिल्कुल ही बेकार हैं। आपको अगर सही मायनों में क्रिकेट को एनालाइज करना है तो आप शुरू हो अपने ओपनिंग पेयर से। आप ओवर बाय ओवर बताएं कि आपकी टीम कहां लैग करती है। बतौर एनालिस्ट आप इसी तरह से किया करते थे माजी में, समझ गए आप इसी तरह किया करते थे माजी में। तो यार ये बातें अब एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये मैं आपको बता दूं। यार इंडिया हारे या जीते आप ये देखें, हाँ पॉपुलेशन ज्यादा है मैं हमेशा से कहता हूं, बट क्या क्या आ रहा है, मतलब अभी सारे लोग रेस्ट भी कर लें तो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान वुमेन्स टीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। आपको बता दूं पाकिस्तान है एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री में वुमेन्स का क्रिकेट खेलना ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा है तो वहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ वो मतलब चीज़ें हैं, जैसा कि ईरान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वैसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में फिर भी थोड़ा बहुत आज़ादी है वुमेन्स को, और इसको लेकर भी पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया पे आप देखें तो वो लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं पाकिस्तान की वुमेन्स को लेकर। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट खेल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब वही प्लेयर है नेदा डार खेल रही है 2010 से, ये मतलब एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, बहुत पुरानी प्लेयर है। तो ये प्लेयर कब तक खेलेंगी? आपको पता है नई प्लेयर नहीं आ रही है पाकिस्तान वुमेंस टीम में, है नहीं पैसा, और पैसे के साथ साथ जो नए मतलब बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा नंबर पर पहली बात तो निकल नहीं रही। ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर नहीं पेरेंट्स अलाउ करते लड़कियों को क्रिकेट खेलना। तो कुछ जो मॉडर्न है थोड़े से जो सोच मतलब रखते हैं वादी, वो उनकी लड़कियां खेल लेती हैं तो उनमें से उतना उनको टैलेंट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की वुमेंस टीम स्ट्रगल करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम ने बड़ी बड़ी टीम को नहीं हराया उन्होंने, ठीक है। इतना गंदा ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन, जैसे कि इनकी ये खुद मतलब मैं बता रहा हूं, ये जो रिजवान हैदर है इसकी वाइफ, अभी इसने फोटो पोस्ट की, अपनी वाइफ की पिक्चर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये पाकिस्तान वुमेंस टीम को बहुत अच्छा खेलना चाहता है। शोएब अख्तर हो, ये अगर ये कोई भी क्रिटिसाइज करे ना यार, ये लोग यार मतलब यार अपनी वाइफ को बुरखे से बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की वुमेंस टीम को ये बहुत अच्छा खेलना देखना चाहते हैं। तो इनकी सोच पे मत जाओ, पाकिस्तान की वुमेंस टीम जैसी भी है ठीक है, अच्छा खेल रही है, जितने उनको रिसोर्सेज मिलते हैं उस हिसाब से वो ठीक है। होती है हार जीत, बन रही है वो टीम, टाइम लगेगा, नए प्लेयर नहीं आ रहे, इतना गंदा चिल्लाने की जरूरत नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हालाँकि ये जो कमेंट किया गया कि मसाज कर दी, ये कर दी, मतलब यार थाईलैंड की वुमेन्स टीम को इस तरीके के कमेंट में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।